यमुनानगर के आजाद नगर में दो दुकानदारों से बदमाशों ने कॉल पर एक से 10 लाख और दूसरे से 5 लाख की फिरौती मांगी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं फिरौती मांगने के बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। दुकानदार ने बताया कि दिन के करीब 12:30 बजे उसको एक फ़ोन कॉल करके किसी व्यक्ति द्वारा फिरौती मांगने का काम किया गया। उसने कहा कि अगर तू इस बात को पुलिस को बताएगा तो तेरी परिवार को ख़त्म कर दूंगा। वहीं जो उसके बाद जो है वो काफ़ी परेशान हो गया और उसको पता लगा कि उसके दुकानदार के साथ वाले दुकानदार से भी कॉल करके 5 लाख की फिरौती मांगी गई है। जिसके बाद दुकानदारों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नरेंद्र कुमार जी नाम। क्या फोन आया जी कि मैं आपके लड़के को जानता हूँ, वो कनाडा में घूमता रहता है, मेरे को 5 लाख रुपए दे दो। किस टाइम आपको ये कॉल आई थी? 12:17 बजे करीब रात के समय। अभी आई। तो पहली कॉल थी या व्हाट्सएप कॉल थी या कैसी कॉल? नहीं, कॉल थी, फोन से कॉल आया। तो क्या लग रहा है कौन उस टाइम? अब मुझे पता ही नहीं कौन है जी, नंबर ही आप देखो। जानते हो आप? नहीं जी। तो क्या क्या बोल रहे हो? हां जी, नंबर है या कहीं बाहर? इंडिया का नंबर है जी। बोला क्या क्या हो? बस वो कह रहा मैं आपके लड़के को जानता हूँ, वो घूमता रहता है कनेटिक में, और 5 लाख रुपए तैयार रखो। पुलिस को शिकायत कर दी आपने? हाँ, कर ले, कर लिए। कितने दुकानदारों को आया फोन? ये सामने और मुझे, दोनों को आया जी। हाँ जी, ऐसा है, मुकेश कुमार नाम का व्यक्ति है हमारे आजाद नगर, जो किराने की दुकान करता है, लम्मा किराना स्टोर से उसकी दुकान है। उसके पास मोबाइल पे धमकी आई है, 10 लाख रुपए दो या आपको जान से मार दो। मोबाइल से आई है? मोबाइल वैसी कॉल थी, व्हाट्सएप में सिंपल कॉल से। उनके हमने दोनों की कंप्लेंट ले ली है, आगे की हमारी तस्दीक 33,000 है। तो चौकी से कितनी दूरी पर है सर, ये अगर बात करें तो, जहाँ पे थोड़ी दूरी पे है सर? क्या कुछ लगता है इंडियन नंबर है या बाहर के नंबर लग रहे हैं? नंबर तो यही के है, बाहर के तो नहीं लग रहे हैं। सर साइबर सेल का नंबर दे दिए? साइबर सेल को नंबर दे दिए और हम आगे कार्रवाई हमारी जारी है।